बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस में बड़ा अपडेट आया है। गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में उनके निजी सहायक सुधीर सांगवान को सुखविंदर सिंह के साथ शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई ने शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सांगवान ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि गोवा पहुंचने के बाद वह सुखविंदर के साथ सोनाली फोगाट को पार्टी करने के बहाने उत्तरी गोवा के करली रेस्टोरेंट में ले गया और उसने वहां पीने के पानी में कुछ मिला दिया और सोनाली को पीने के लिए मजबूर किया। आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने बताया कि पानी पीने के बाद सोनाली फोगाट रेस्तरां में असहज और बीमार महसूस कर रही थी। बाद में उसे सांगवान और सुखविंदर होटल ले गए और फिर सेंट एंटनी अस्पताल अंजुना ले गए, जहां फोगाट को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने शिकायत में आरोप लगाया था कि सोनाली फोगाट की हत्या उसके निजी सहायक सुधीर सांगवान ने सुखविंदर सिंह के साथ मिलकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करने और सोनाली के राजनीतिक करियर को खत्म करने के इरादे से की है। बिश्नोई ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी ने संबंधित परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पता चला कि सुधीर सोनाली को जबरदस्ती कुछ पिला रहा है। बिश्नोई ने कहा कि चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के सही कारण का जिक्र नहीं किया गया है और यह विसरा रिपोर्ट की रासायनिक जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, जिसमें कुछ वक्त लगेगा। आईजी ने बताया कि सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से बचने के लिए सुखविंदर और सागवान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। फोगाट 22 अगस्त को गोवा आई थी और अंजुना के होटल में रुकी थी। सोमवार की रात बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें करीब 8 बजे अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को सच नहीं बताते, इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज करली क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलेज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टियां कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी दिया, देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बात की बात। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।